नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े ही अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। CM डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी भी ली। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों के साथ 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। मध्य प्रदेश की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मध्य प्रदेश की झांकी में विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत नारी पर केंद्रित थी। झांकी में MP की समृद्धि, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन भी किया गया। देश में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन किए गए। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रतलाम, रीवा, शाजापुर, अलीराजपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। मुख्य समारोह उज्जैन में आयोजित हुआ, जिसमें CM डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो वहीं भोपाल के BJP दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने ध्वजारोहण किया। तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तिरंगा फहराया। ग्वालियर में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस RV मलिमठ ने ध्वजारोहण किया। जबकि रतलाम के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में लघु MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ध्वजारोहण कर परेड की सलामी उन्होंने ली। जबकि रीवा में DC राजेंद्र शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। शाजापुर की बात करें तो वहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। तो अलीराजपुर में वन पर्यावरण मंत्री कल्याण सिंह नागर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, झंडा वंदन किया। इधर उज्जैन में तिरंगे के रंग में रंगे बाबा महाकाल। तिरंगे झंडे से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में गणतंत्र दिवस पर खास पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई और तिरंगे के रंग में बाबा महाकाल को रंगा गया और गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी यहां पर की गई। तो गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर बाबा महाकाल को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया और एक विशेष पूजा अर्चना की गई। भोपाल में 5 दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। राम मंदिर की थीम पर इसे बनाया गया है। राज्यपाल और CM डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। तो 5 दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राम मंदिर की थीम पर लोक रंग का मंच बनाया गया था। पांच दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम का उद्घाटन और मंच पर मौजूद हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 5 दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर की थीम पर मंच बनाया गया है, सजाया गया है, इसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। महिला पुलिस दल को सम्मानित किया जा रहा है। तो राम मंदिर की थीम पर मंच बनाया गया है। ये तस्वीरें देखिए। तो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसी राम मंदिर की थीम पर लोक रंग का मंच बनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल और डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने किया है। महिला पुलिस दल को सम्मानित भी किया गया है इस कार्यक्रम में। तो एक भव्य कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की संध्या पर भोपाल में आयोजित हो रहा है। 5 दिवसीय लोक रंग कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्वालियर के SAF ग्राउंड पर पुरुष विंग ने बुलेट मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन किया और इन जाबाजों ने जब प्रदर्शन किया तो हर कोई दंग रह गया। देखकर इन जाबाजों ने बुलेट जैसी भारी गाड़ी को हवा में चलाकर ये बता दिया कि ये सब नज़ारे आप वीडियो पर जब देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ग्वालियर के SAF ग्राउंड पर यहाँ पर BSF के जो बुलेट के जो जवान हैं उन्होंने दांतों चबे लोगों को उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। किस तरह से हैरत अंगेज कारनामे इन्होंने किए, किस तरह से एक अभ्यास करने में कितना एक वक्त लगता है और कितने वर्ग उनको किया आपने? काफी अभ्यास के बाद है ना ये प्रैक्टिस की हम उतरते हैं। तो ऐसा कोई भी ना करे जो अभ्यास के बिना अभ्यास के इस पे करने की कोशिश करे। सबसे टफ कौन सा लगता है? कई सारे इवेंट किए आपने, सबसे टफ कौन सा था और सबसे आपको खूबसूरत भी लगता हो कि हाँ सर इसमें मिसिकल राइड इवेंट है, इसमें सबसे टफ इवेंट है। इसमें टाइमिंग होता है, कोई भी मिसिंग होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके इवेंट है बहुत टफ इवेंट है। कितना तैयार होने में वक्त लगता है, एक कितना वक्त लगता है आप लोगों को तैयार होने में? एक अगर इवेंट की बात करें तो कितनी तैयारी करना पड़ती है? इवेंट तो सर ऐसा है, इवेंट के लिए तो तैयारी तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है सबकी। और इवेंट के लिए हम लोग सुचारू रूप से रहते हैं तो इवेंट की तो तैयारी हो ही जाती है। देश के कोने कोने तक ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं कि किस तरह से उनका ये खास ये जो प्रदर्शन है रहता है। अभी तक उनको दिल्ली से इनाम मिला चुका है, राजपथ से भी सम्मानित हो चुके हैं, से लेकर देश के कोने कोने तक सम्मानित हो चुके हैं आप लोग। तो अपनी टीम में लगभग 40 से 45 लोग हैं जो कि हम हर बार राजपथ पर करते थे। इस बार नारी शक्ति को दर्शाया गया है राजपथ पर, इसलिए हमारी जो महिला टीम है वो राजपथ पर प्रदर्शन कर रही है और हमारे को यहाँ पर मौका मिला। तो आप देखेंगे कि महिला टीम भी है वो भी राजपथ पर भी प्रदर्शन कर रही है, तो यहाँ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज का प्रदर्शन? कितना खास प्रदर्शन आप लोगों के लिए? सर हम 26 जनवरी के लिए तो खास, हमारे देश का महोत्सव है तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है और इनके लिए इनका जो महिला विंग्स थी वो राजपथ पर प्रदर्शन कर, BSF के मैन हेडक्वार्टर है ग्वालियर के टेकनपुर एकेडमी में, तो ऐसे में वो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नाजिर गौरी, IBC24 ग्वालियर। उज्जैन के रहने वाले 85 साल के पंडित ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वे भारत में माच लोक रंगमंच का चेहरा माने जाते हैं। पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने पर खुशी जताई है और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। पुरस्कार मिलने से उनके शिष्य और परिवार वाले बेहद खुश हैं। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की है कि इस नाच लोक नृत्य के संरक्षण के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएंगे, जिसे लेकर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत पराशर ने। ऐसे ही मालवा क्षेत्र का एक लोक नृत्य माच जिसको अभी तक जीवंत रख रखा है हमारे ओम प्रकाश जी शर्मा जी ने, जो लगातार इस पर मेहनत कर रहा है और इस कल्चर को, ये लोक के जो माच है इसको जीवित रखा हुआ है। और आज इनकी इन्हीं सेवाओं के बदले 2024 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। अब इनसे ही बात करते हैं कि पद्मश्री मिलने के बाद आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सारी उम्र तपस्या की है, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, मार्च बहुत लोगों को सिखाया है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री साहब मोहन यादव साहब, फिरोजिया जी, इनकी मेहरबानी से मुझे ये मिल गया है और मैं
मुनि यादव साहब हमारे जो हैं हमेशा सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा माच के लिए कुछ करे वो, मैं जरूर उनसे मिलूंगा करूंगा और मेरी बात को मानेंगे, वो मेरे को जो मदद करेंगे माच के लिए जरूर करेंगे। उनकी एक शिष्या यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? सुरभि पाराशर जी। सुरभि पाराशर जी, किस प्रकार से ये माच है और कैसे इसको नृत्य के रूप में किया जाता है? मालवीय लोकगीतों पर आधारित रहता है, इसमें पुरुष ही स्त्री का भी रोल निभाते हैं और दादा सिखा रहे हैं सबको और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। कैसा लगा जब पद्मश्री पुरस्कार पिताजी को मिला? जी, हमारे पूरे परिवार के लिए काफी गर्व का विषय है और हम पूरा परिवार बहुत ही खुश है कि हमारे पिताजी पंडित ओम प्रकाश शर्मा को पद्म अवार्ड मिला है। लेकिन आवश्यकता यह, सरकार से उम्मीद यही है, इस माच जैसी विधा को लगातार और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रयासों के लिए ओम प्रकाश जी ने सरकार से आग्रह किया, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान देगी। आईबीसी 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। उज्जैन के 82 साल के डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ है। डॉक्टर राजपुरोहित शासन से राजा भोज पुरस्कार, डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत पाराशर ने। आपको इस बार केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, उनसे बात करते हैं कि आपकी जो साहित्य का जो दौर रहा है, साहित्यिक जो जीवन रहा है, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे रुचि हुई, क्या उपलब्धियां हासिल हुई और कैसा आपको लगता है? साहित्य के प्रति विद्यार्थी काल से ही हमारा रुझान रहा है। संस्कृत, हिंदी और मालवी तीनों भाषाओं में लगातार रचनाएं करते रहे, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो या नाट्य हो। मोटे तौर पर नाट्य की ओर रुझान ज्यादा रहा और कई नाटक हमने हिंदी, मालवी और संस्कृत में लिखे। कितनी खुशी हो रही है और आगे आप साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति देखते हैं नवी नई पीढ़ी के लिए? साहित्य में और संस्कृति में और अनुसंधान में हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं वो लगातार अपने अपने रुचि के अनुसार काम में लगी हुई है, निष्ठापूर्वक वो काम करेंगे, ऐसी सद्भावना है उनके साथ में। तो ये थे हमारे यहाँ पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए भगवती लाल जी राजपुरोहित। इन्होंने अपने अनुभव बताए, साथ ही हिंदी, संस्कृत, मालवी में खास तौर से नाटक विधाओं में इन्होंने देश और समाज को बड़ा योगदान दिया है। आईबीसी 24 के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। रीवा के ग्राम पडरी में गणतंत्र दिवस पर भोजन करते ही 58 स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोगों ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं फूड पॉइजनिंग की सूचना जैसे ही मिली, प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली और इस दौरान परोसे गए भोजन की प्रारंभिक जाँच में ही पता चल गया कि खाने में एक्सपायरी डेट के डालडे का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद खाने के सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया, बीमार बच्चों का इलाज जारी है। अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका के कर्मचारियों और कब्जाधारियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर कोतमा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि नगर पालिका के कर्मचारी कब्जाधारियों को नोटिस देने गए थे, किसी बात को लेकर कब्जाधारी और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच बहसबाजी हो गई और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद नगर पालिका ने थाने में केस दर्ज कराया है। कब्जाधारी पक्ष से भी शिकायत की गई है। इधर कब्जाधारी परिवार का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी बिना सूचना दिए घर की दीवार गिराने पहुंचे थे और घर की लाइट भी काट दी थी। आवेदन के बिना आवेदन के दीवार हम लोग की गिरा रहे थे और जबकि हम लोग से नोटिस में साइन ले रहे थे, हम लोग साइन नहीं किए हैं तो उसी मामले में आके फिर मारपीट हम लोग के साथ किए हैं। बिजली सब काट दिया गया है, हम लोग को कोई सेवाएं नहीं दी गई। उभय पक्षों
में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें पहले संबंधित अतिक्रमणकारियों ने मारपीट की, फिर नगर पालिका के पक्ष से भी हुए, दोनों की तरफ से पुलिस स्टेशन में प्रकरण प्रेषित किया गया है। धार में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक किसी काम से घर से बाहर निकला था, इसी बीच अज्ञात शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। आनंद फान में परिवार वालों से अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना कामवन थाना क्षेत्र के बिड़वाल गाँव की बताई जा रही है और अब शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्वालियर से बाल सुधार गृह से कैदियों के भागने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैदियों को भागते देखा जा सकता है। सभी कैदी रसोइयों को धक्का मारकर भागते दिख रहे हैं। बाल संप्रेषण गृह से 7 कैदी भागे थे, एक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था, जबकि 6 नाबालिग भागने में सफल हो गए थे। बस आपको बता दें कि फरार कैदियों में अक्षरा यादव की हत्या के 3 आरोपी, पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थी और अक्षरा यादव विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्वालियर में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। लड़की के परिजन का आरोप है कि सुहेल खान नाम के एक युवक ने पहले तो लड़की को अगवा किया और उसके बाद अपने साथ ले गया। उनसे लड़की पर जादू टोना कर उसकी मानसिक स्थिति खराब कर दी है, यह भी आरोप लगाया। लड़की के परिजन का यह भी आरोप है कि जब शिकायत लेकर वो आरोपी के घर पहुंचे तो परिजन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पीड़ित लड़की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और अब उसकी परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी सुहेल खान और उसके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।